आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज उज्जैन पहुंचेगी। राहुल गांधी सबसे पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और महाकाल के दर्शन करने के बाद देवास गेट तक रोड शो भी होगा। यात्रा में शामिल होने के लिए नगरवासियों को निमंत्रण दिया गया है। दूसरी तरफ राहुल के महाकाल के दर्शन को लेकर सीएम मोहन यादव, उन्होंने निशाना साधा। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने बहुत लंबा सफर तय किया है, चुनाव की बेला में अपने दल का विचार ना करते हुए राहुल गांधी समय जाया कर रहे हैं। देव दर्शन करने की नगरी है उज्जैन, वो भगवान के दर्शन अच्छे से कर ले, मैं यही उनको शुभकामना देता हूँ। मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, एक पश्चाताप भी करे कि भगवान राम के मंदिर का न्योता उनकी पार्टी ने क्यों ठुकराया था, वो जनता से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद वो मंदिर बना, उनके एक नेता उस बनाए हुए मंदिर के स्थान के बारे में आज भी कोई देवस्थान तोड़ा गया इसका पश्चाताप करते हैं। और चलिए विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विपिन, यहाँ मोहन यादव एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर निशाना साध रहे हैं कि यहाँ राम को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन यहाँ बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने महाकाल के दरबार पहुंच रहे हैं। किस तरह की तैयारियां वहां चल रही है? सुना है वहां पर पोस्टर्स भी लग चुके हैं और नगरवासियों को भी आमंत्रित किया गया है। कब तक पहुंच रहे राहुल गांधी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए तैयारियां काफी हो चुकी हैं उज्जैन में इस वक्त हूँ, लेकिन पूरे रास्तों को थोड़ा सा बदल दिया गया है। अंदर की तरफ हम कुछ देर बाद जब पहुंचेंगे तो राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले महाकाल में पहुंचेंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। इसके बाद उनका उज्जैन में, यहाँ उज्जैन में उनका एक छोटा सा रोड शो होगा। उज्जैन में रोड शो के कई मायने भी हैं यहाँ पर, क्योंकि उज्जैन यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृहनगर भी है। और उज्जैन महाकाल के दर्शन के बाद राहुल गांधी यहाँ से अगला पड़ाव लेंगे, क्योंकि आज का दिन के बाद कल राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में पूरी तरह खत्म हो जाएगी, यहाँ से राजस्थान में एंटर करेगी, कल आखिरी दिन है। लेकिन आज कई ऐसे वाक्य हुए हैं, जैसे आप बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए हैं, उनको कहा है कि सद्बुद्धि दें, इस तरह की बात मोहन यादव ने कही है। लेकिन एक और वाक्य अब से कुछ देर पहले शाजापुर में जब राहुल गांधी यहां से गुजर रहे थे उस वक्त भी देखने को मिला था कि राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जय श्री राम के नारे लगते हैं और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता नेता उनको आलू देने आते हैं। लेकिन देखिए सहजता देखिए, राहुल गांधी उतरते हैं और सबसे पहले उनका जो तोहफा आलू लेते हैं और कहते हैं कि अगली बार इसे सोना बनाकर ही लाऊंगा। तो इस तरह के जो वाक्य हो चुके हैं, क्योंकि आपको बता दें कि उज्जैन जो मालवा का वो क्षेत्र कहलाता है जो कि आरएसएस का बड़ा गढ़ है, और यहां पर इस तरह की जो है लगातार इस तरह के वाक्य हो रहे हैं। और राहुल गांधी अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, बस उनकी जो तैयारियां हैं यहां पर। ठीक है विपिन, विधानसभा में हार के बाद मध्य प्रदेश वैसे ही बहुत बड़ी चुनौती, हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी था और इस बार भी और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, और उसी को साधने की कोशिश राहुल गांधी यहां पर कर रहे हैं।